वीर गाथाओं की इस श्रृंखला में अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं अगली कहानी के वर्णनकर्ता को, लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा। हतो वा प्राप्तसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ये वो श्लोक है जो मेरे परम मित्र मेजर पद्मपानी आचार्य महावीर चक्र ने जीवन के अपने अंतिम पत्र में, जो उन्होंने अपने पिता को लिखा था, इसको उद्धृत किया था कि हे कौन्तेय, या तो तुम मरकर स्वर्ग की प्राप्ति करोगे या विजयी होकर इस पृथ्वी पर राज करोगे, इसलिए तुम दृढ़ निश्चय कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और मेरा दोस्त मेजर पद्मपानी आचार्य कारगिल की लड़ाई में दृढ़ निश्चय कर खड़ा था, बड़ा था, लड़ा था, मारा था और मरा भी था। देवी और सज्जनों नमस्कार। मैं प्रारंभ करूंगा अंत से। मेरे दोस्त, मेरा मित्र शहीद हो चुका था और मैं एक सैनिक अस्पताल में उसके शवगृह में खड़ा था। मेरे चारों तरफ न जाने कितने शहीदों के शव थे और मेरे सामने मेरा मित्र मेजर पद्मपानी आचार्य का शव था। उसके मुखमंडल पर विजय, वीर गति एवं स्वर्गारोहण की एक असीम शांति थी और मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, अपने दोस्त के लिए एक कुटिल मुस्कान भी थी। निकल गया ना मैं तुझसे बहुत बहुत आगे, वो मुझसे आगे निकल गया। अपने रेजिमेंट की वीर भोग्या वसुंधरा के मंत्र को चरितार्थ करते हुए वो वसुंधरा पहुंच चुका था। मैं वहीं खड़ा था, सोच रहा था। पहली बार सन 1992 भोपाल के आर्मी के सिलेक्शन सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए जब मैं पहुंचा था तो वहां मिला था वो मुझे। 4 दिन का इंटरव्यू हमने एक साथ दिया, एक साथ सिलेक्शन हुआ, फिर 4 दिन का मेडिकल हुआ हमारा एक साथ। उसके बाद हम एकेडमी पहुंचे, एक ही बटालियन, एक ही कंपनी, एक ही प्लाटून, हमने पूरा प्रशिक्षण एक साथ किया, एक साथ ट्रेंच खोदा। कभी मैंने उसे कंधे पर उठाया, कभी उसने मुझे कंधे पर उठाया। हम दौड़े, हमने पसीना बहाया, कोहनी और घुटनों से खून भी बहाया एक साथ। उसके बाद वहां से जब एकेडमी से अफसर बनकर निकले तो हम अलग अलग कश्मीर पहुंचे, हम दोनों ही, लेकिन अलग अलग स्थानों पर। वहां मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके उपरांत वापस ग्वालियर में हमने एक पूरा कार्यकाल एक साथ बिताया। और उसके बाद उस दिन मैं वहां अस्पताल की मॉर्चरी में उससे मिल रहा था आखिरी बार। सब बातें याद आ रही थी मुझे। घर चाहूं मैं सुनाना वो सारी की सारी बातें, कट जाएगा ये दिन तो क्या न जाने कितनी रातें। उसके एक साल बाद मुझे लगा कि मैं फिर मिल लूंगा। मैंने पकड़ने की कोशिश करी थी उसे, जब मैं भी एक लड़ाई में, मुझे मेरे भी ब्रेस्ट निकल लग गया था, मेरे गले से गोलियां चली गई थी, तो मेरे भी मन में पहला ख्याल आया था कि आचार्य आ रहा हूं भाई, क्या करें। वीर गति सभी के भाग्य में नहीं होती, मेरा दुर्भाग्य था, उसका सौभाग्य था। असंभव नहीं था उसके लिए कोई भी कार्य, न किंतु न परंतु, बस विजय अनिवार्य। नाम था पद्मपानी आचार्य। और फिर उसके बारे में इतना ही बताऊं, बातें तो बहुत हैं, लेकिन वो ना शुरू से उसका जो लक्ष्य थी, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी फौज में आने की, वो एक बच्चे की तरह थी। एक बच्चे को अगर पूछा जाए कि तुम फौज में जाके क्या करोगे, वो बड़ा होकर भी और कुछ समय बिताने के बाद भी उसकी वही महत्वाकांक्षा थी कि मुझे 26 जनवरी परेड पर राजपथ पे कमांड करना है और युद्ध में शत्रुओं का संहार करना है। और 26 जनवरी 1997 की गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर वो राजपूताना राइफल की कंटिंजेंट कमांडर के रूप में
उस मार्ग पर शेर की तरह चला भी और सलामी मंच के आगे राष्ट्रपति की ओर देखकर शेर की तरह दहाड़ा भी। जो हमने एक साथ पीस में टेनवर काटा था ग्वालियर में, तब तक मेरा और उसका हम दोनों का विवाह हो चुका था, हम अपनी पत्नियों के साथ थे, मेरी एक नवजात पुत्री भी थी जिसको वो देखकर अक्सर कहता कि मेरी भी ऐसी पुत्री होगी। वो जो सोचता था वो होता था, उसकी भी इच्छा पूरी हुई क्योंकि जब उसे वीर गति प्राप्त हुई तो उसकी पुत्री उसकी पत्नी के गर्भ में थी। आज मैं सोचता हूं कि काश उसने कुछ उससे ज्यादा मांगा होता, उससे ज्यादा कामना की होती, इस बात की कामना की होती कि मैं अपनी पुत्री को गोद में खिलाऊंगा भी, उसका कन्यादान भी करूंगा, उसके उपरांत भी रहूंगा। काश उसने ये कामना की होती तो ईश्वर उसकी हर बात सुनता था, ये भी सुनता, लेकिन शायद वो कामनाओं की मर्यादा का बोध था उसे। उसे पता था कि जब ईश्वर ने वरदान दे रखा है तो सोच समझ के मांगना चाहिए। अब उसकी अंतिम कामना, युद्ध में शत्रुओं का संहार, कारगिल का युद्ध शुरू हुआ 12 जून, पहला उसे अवसर मिला रात को हमला करने का 0.4590 पर। वो अपनी कंपनी की लीडिंग प्लटून की लीडिंग सेक्शन के साथ आगे बढ़ा और बंकर के नजदीक पहुंच गया एकदम। चारों तरफ से मौत की बारिश सीधी खड़ी चढ़ाई, शून्य से कई डिग्री तापमान नीचे, लेकिन वो बढ़ता रहा। 8 पाकिस्तानियों को उसने वहीं ढेर कर दिया, 4 वहां पर थर थर कांप रहे थे। थोड़ी देर को उसका मन हुआ कि इनको मैं जिंदा पकड़ लूं। वो वहां नजदीक गया लेकिन वहां पर उसने देखा कि 10 दिन पूर्व एक हमारी भारत की भारतीय सेना की दूसरी बटालियन ने जो हमला किया था, उस वक्त हमारे कई जवान शहीद हुए थे, उनके शव वहां पर पड़े थे। उसकी आंखों में खून उतर आया, उसने अपनी कटार निकाली और उन शत्रुओं के खून से उस कटार और इस मातृभूमि दोनों की प्यास पूरी। उसके बाद उसने पोजीशन ली, 4 पाकिस्तानी दोबारा काउंटर अटैक करने आए, वो भी लटा दिए गए। उसके बाद तो उसके मुंह में खून लग चुका था, वो बेचैन था कब कितना और मौका मिले। लेकिन अगले 2 हफ्ते तक उसे जब कोई बड़ा अभियान नहीं मिला तो वो काफी बेचैन हो गया। वो रोज आके अपने सीनियर से बोलता, सर अगला 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 अगला। और फिर उसे बताया गया कि 28 जून को तुम्हें फिर जाना है, 3 पिंपल पर अटैक करना है और उसे कब्जा करना है। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो दौड़ता हुआ गया अपने जवानों के पास और ये खुशखबरी सुनाई उसने और कहा कि अब मजा आएगा, मजा तो बच्चों अब आएगा। और फिर वो चढ़ा 3 पिंपल की तरफ, एक सुरक्षित दूरी रखते हुए एक सुरक्षित चट्टान के पीछे पहले उसने अपने जवानों के साथ माता की आरती कराई और वहां से फिर तैयार होकर धावा। चारों तरफ से गोलीबारी, सामने से भी पीछे से भी दोनों तरफ से मौत की बारिश। एकदम नजदीक पहुंच गया वहां पर तो उसका जो रॉकेट लॉन्चर चलाने वाला जवान था वो घायल हो गया। उसने वो रॉकेट लॉन्चर उठाया और उसमें से 4 गोले HEAT के दागे, धाएं 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 धाएं, दुश्मन का बंकर ध्वस्त। लेकिन इसी बीच शत्रु की तरफ से ग्रेनेड आया, उसके समीप फटा और वो घायल हो गया। लेकिन इसके बावजूद वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ता रहा, अपने जवानों को ललकारता रहा और दूसरे बंकर की तरफ वहां पहुंचा तो उसने 18-20 ग्रेनेड जो एक सेक्शन के होते हैं पूरे के पूरे खोद फेंके और उस बंकर को भी नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन इसी बीच शत्रु का एक ब्रस्ट आया और उसे लग गया, वो वहीं घायल हो गया और गिर गया। उसके जवान गए कि साहब, उसने बोला, नहीं मेरी तरफ कोई नहीं आएगा, तीसरा बंकर सामने है, मेरी सांस तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम उस तीसरे बंकर पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, जवानों आगे बढ़ो। उसके जवान आगे बढ़ते गए, वो उनको निर्देश देता गया, आदेश देता गया और जब वो तीसरा बंकर भी ध्वस्त हो गया, उस पर उसके जवानों ने विजय प्राप्त कर ली तो उसने अपने हृदय में विजय की और वीर गति की अंतिम सांस ली और उसके बाद वो चला गया। और अंत
अब अंत में प्रारंभ से करूंगा, प्रारंभ कारगिल युद्ध का। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री दोस्ती का हाथ लेकर लाहौर गए थे और दूसरी तरफ पाकिस्तानी धोखे का खंजर लेकर कारगिल। रोष में आया था हिंदुस्तान का हर सिपाही, रोष में आया था मेरा दोस्त, और वह कारगिल पहुंचकर उसने शत्रु की तरफ देखकर बोला था, है प्यार तुम्हें समझना नहीं मंजूर शायद, है दोस्ती का ये नया दस्तूर शायद, हाथ जो हमने मिलाया उसका सिला है, आ गया घुसपैठियों का काफिला है, हम सिपाही हिंद के इतना बता दे, आ गए हम मौत तुम्हारी तुमको जता दे, हमारे खून का उफान तुम अब देखोगे, अपने हर तरफ तूफान तुम अब देखोगे, हम हिमालय पर लगा हर मैल हटा देंगे, हम हिमालय पर लगा हर मैल हटा देंगे, गिरे बांध पकड़ के तुम्हें वही धूल चटा देंगे, अगर हिम्मत है तो रोक लो, हम प्रलय है तूफान है, तान कर सीना आ रहे, हम हिंद की संतान है, हम हिंद की संतान है। मेजर पद्मपानी आचार्य की जय हिंद, जय मां भारती।